हेलो गाइस, मेरा नाम अथर्व है, मैं जम्मू से हूँ और भाई हमारा संजय दत्त है। भाई साहब, शूज मैंने इसलिए सूखने के लिए रखे क्योंकि कल वाटरफॉल में गया था दुड्डू वाली साइड, तो पूरे गिल्ले हो चुके थे। और भाई जैकेट भी देख सकते हो, वो भी गिल्ली हो चुकी है। और यहाँ पे ठंड इतनी है ना, मेरे पास अब गर्म कपड़े पड़े बचे ही नहीं है। मम्मा ने बोला था कि रक्षण गर्म कपड़े ले जा, लेकिन नहीं मम्मा, हमें कहाँ सर्दी लगती है यार, हम तो जवान खून है भाई। लेकिन एक विंडशीट पड़ी हुई है मेरे पास, मैं लेकर आया था साथ में, तो क्या पता थोड़ा मता काम बन जाए और ठंड कम लगे। बेटर तो अभी हम निकल चुके हैं यहाँ पे लाठी घूमने के लिए और देखते हैं यहाँ के भी नज़ारे वगैरह। और अभी हम जाएंगे, यहाँ पे एक लड़का है अमित नाम का, उसके पास जाएंगे। लेकिन उस इन दोनों चीज़ों से पहले हम जाएंगे परांठा खाने के लिए। ओके, अभी जा रहे हैं हम तरबग वाली साइड। यहाँ पे कोई तरबग नाम की जगह है, वहाँ पे जा रहे हैं। सुना अच्छी जगह है, थोड़ी मती देखने लायक जगह है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। ये अमित मुझे आगे लेते हुए अपने साथ तो जा रहे हैं। एक दोस्त और आ रहा है इसका यहाँ पे, तो वो भी जाएगा हमारे साथ। ये इसका छोटा भाई, ये नाम है तेरा? राहुल शर्मा। तो अब हम जा रहे हैं और देखते हैं क्या बनता है। भाई लोग व्यू दिखाऊं आप लोगों को, देख सकते हो आप व्यू। गाइस, पहुंच चुका हूं मैं यहां पे तरबग में। बहुत अच्छी जगह है, यहां पे भी बहुत अच्छी हवा चल रही है, देख सकते हो आप। यहां की जगह कुछ इस तरह से है, तो बहुत ही अच्छी जगह है। और हाँ, क्या मज़ा है भाई। यहां पे पानी है, यहां पे देख सकते हो आप, ये पानी है कुछ। और ये मुंह बार बार छुपाता हुआ लड़का ये अमित, आई एम अमित, हिज नेम इज अमित एंड ही इज नॉट अ टेररिस्ट। ठीक, आज पहली बार मैं अपने GoPro का अंडर चुप आज मैं पहली बार अपने GoPro से अंडरग्राउंड शॉट्स लूंगा, देखते हैं कैसे आते हैं। दोस्तों, अब मैं तरबग से टॉप पे आया हूँ, तरबग के टॉप पे, और बस हो चुकी है। वो वहाँ नीचे से आया हूँ मैं यहाँ ऊपर तक। और ये देख सकते हो सुनील, इसका नाम सुनील है, ये अमित का भाई। और वो अमित, तू हाय हाय करना, ये बार बार हाय हाय करे जा रहा है। और बिल्कुल टॉप पे हूँ मैं और बारिश पड़ना शुरू हो चुकी है, तरोंके तरोंके पड़ रहे हैं। ओ भाई, गिर गया था मैं। गाइस ये देखो मुझे क्या मिला, सुआर फूल। सुआर सुआर क्या सुआर सुआर फूल सुआर फूल तो
इन फूलों को ये चाय के अंदर डालते हैं और फिर बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है भाई। हमें कुछ पता ही नहीं है यार, मतलब हम शहर के लोगों को कुछ पता ही नहीं है, ये जो गांव के लोग हैं ना इनकी ज़िंदगी है भाई जो भी है। तो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ रत्ता पानी में, यहाँ पे कोई रत्ता पानी नाम की जगह है, ये देख सकते हो आप। इस पानी के अंदर लोहा होता है, आयरन होता है, तो देख सकते हो तभी यहाँ पे जंग वगैरह लगी हुई है सारी जगह, देख सकते हो आप हर जगह जंग ही जंग है। इससे कई बीमारियाँ दूर होती हैं और क्योंकि इसके अंदर आयरन है। अब मैं इसको पीऊँगा हाँ और अपनी सारी बीमारियाँ ख़त्म करूँगा। भाई लोहे का टेस्ट आ रहा है सच में दोस्तों, मैं आप लोगों को बता नहीं देता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को फील नहीं करवा सकता हूँ, लेकिन सच में कह रहा हूँ पूरा लोहे का टेस्ट आ रहा है, मुझे पूरा लोहा लगा। मतलब जब बात ही होगी आपको भी लगेगा, जब बात ही होगी आपको भी। अगर आप लोग आओगे यहाँ पे लाठी में तो रट्टा पानी जरूर आना, यहाँ पे आप पानी जरूर पीना और आपको पता चलेगा कि लोहे का पानी। मैं सच बोल रहा था, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरा टेस्ट आ रहा है। मेरे हाथों में भी लोहे की स्मेल हो गई है, मतलब लोहे के जैसे जंक जंक होता है ना, जंक जंक की तरह खुशबू हो गई हाथों में। तो भाई यार बहुत नेचुरल चीज़ है बिल्कुल। गाइस अभी हम यहाँ पे वाटरफॉल है वहाँ पे जा रहे हैं रट्टा पानी से थोड़ी सी आगे, सुना बहुत अच्छा वाटरफॉल है वो भी, तो वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। चलो ये नहीं हो जाता पहुँच चुके हैं हम वाटरफॉल की तरफ। मेरा चेहरा आप देख सकते हो बिल्कुल चुप सा हो गया है क्योंकि वाटरफॉल में पानी ख़त्म हो चुका है, तासा बर्बाद बहन चोद। गाइस मुझे देखो जंगल में क्या मिला है, वो जो जानवर नहीं होता है जिसकी जो जो कांटे वगैरह फेंकता है अपने पीछे से, जिसके पीछे कांटे ही कांटे होते हैं, प्रोक्यूपाइन बोलते हैं उसको शायद से, उसका कांटा मिला है देख सकते हो आप, टूट गया है भाई। ये मेरे को अमित ने दिखाया, अमित को पता था, अमित को नॉलेज थी तो अमित खाता भी है यहाँ पे, तो कांटे को नहीं उस जानवर को खाया हुआ है उसने, तो उसको पता था ये प्रोक्यूपाइन का कांटा है। तो भाई देख सकते हो भाई इधर निग्गर नेक्स्ट लेवल चीज़ें दिख रही है मुझे। तो गाइस जब मैं डुडू गया था तो वहाँ पे मैंने बासुकी नाग जी का आपको टेंपल दिखाया था, लेकिन बंद था बासुकी नाग जी का टेंपल, तो यहाँ पे लाठी में भी है बासुकी नाग जी का एक टेंपल। अब यहाँ पे कोई पुजारी वगैरह तो है नहीं है कि मैं आप लोगों को बता सकूँ इस मंदिर की हिस्ट्री, लेकिन यहाँ पे भी है बासुकी नाग जी का मंदिर, तो जय बासुकी नाग जी। ये है बासुकी नाग जी का टेंपल देख सकते हो आप, और यहाँ पे भी कुछ उस तरह की कलाएँ दिखाई गई हैं जैसे मैंने डुडू में आपको दिखाया था मंदिर में। बासुकी नाग जी में आप लोगों को बता दूं, बासुकी नाग जी शिवजी भगवान जी के जो गले में सांप होता है वो है, वो बासुकी नाग जी उनका नाम है, तो उनका मंदिर है ये। चलो उन नचने आए थे डोगरी गाने ऊपर, ठीक है नचा भी? नहीं 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 नचना। ओ लौड़े आए थे आ, ओ लौड़े आ, ओ लौड़े आए थे आ, इते इते आ कुत्ते नशा ना खेत लाइए। भाई साहब शाम हो चुकी है और यहाँ पे लाठी टूने में बारिश तगड़े हिसाब से हो रही है और ठंड इतनी हो गई है ना, मेरी जैकेट सूख चुकी है अब कोई सीन ही नहीं है, और इतनी ठंड हो गई है नहीं दिख रहा, धुआं दिखाता हूँ आपको किस हिसाब से धुआं चल रहा है। कैमरे में दिख रहा है? थोड़ा थोड़ा ही दिखना चाहिए, दिख रहा है ना, देखो किस हिसाब से ठंड हो गई है। और आपका भाई यहाँ पे ब्लॉग शूट कर रहा है यार बीच बाजार के, देखो नेरा किया हुआ है पूरे लाठी तूने में नेरा किया हुआ है मैंने। अब जाएंगे यहाँ से कहाँ पर जाएंगे, साइकिलिंग करने के लिए? हाँ साइकिलिंग करने के लिए जाते हैं। तो गाइस अभी मैं साइकिल लेकर जा रहा हूँ यहाँ पे, अमित के साथ जो सुनील लड़का था उसका साइकिल लिया हुआ है। भाई खतरनाक गियर तो है नहीं है साइकिल में, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है चलाने का। लाठी तूने में साइकिल चल रहा है यहाँ पे शहर में निग्गर साहब से। मज़ेदार हाँ, अम्मी तो मैंने पीछे बिठाया हुआ है देख सकते हो आप, दिख रहा है आपको? देख अमित बिठाया नहीं है मतलब खड़ा किया हुआ है अमित को मैंने पीछे, कितना खूबसूरत कितना खूबसूरत लड़का है, तो अब पीछे खड़ा हुआ है लमका हुआ है मेरे पीछे।
अभी हम यहाँ पे लाठी में बहुत फेमस होटल है डायमंड होटल, उधर जा रहे हैं। होटल भी है और रेस्टोरेंट भी है ना, होटल एंड रेस्टोरेंट है। बाहर पता नहीं है नहीं है, ये मेरे को नहीं पता है। बाहर नहीं है, बाहर बाहर नहीं है भाई। ठीक है तो चलते हैं अंदर, दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे रुका नहीं, कोविड के कारण होटल बंद है। मेरा मल्लेदार है एक आर्यन, उसका है, तो दिखाता हूँ आपको। अगर आप लोग लाठी में आओ तो यहाँ पे रूम शूम बुक करवा सकते हो, मेरे को बता देना अगर आना होगा, मैं उसको बोल दूँगा। और उसका इंस्टाग्राम का अकाउंट नीचे डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आप बुकिंग शुकिंग करवा सकते हो। दिखाता हूँ आपको होटल। सुबह हो चुकी है और अब मैं जा रहा हूँ वापस उधमपुर। ये मेरे साथ अम्मी तो और वही इधर देख सुनील जल्दी जा, ये अम्मी तो और सुनील। तो अब मैं चलता हूँ बस के अंदर, जा रहा हूँ, बाय। मेरा नाम रक्षण है, मैं जंगल में हूँ और ये हमारी पारवी हो रही है। क्या हो रही है? पारवी।